नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में। आपका आज का प्रेडिक्शन है मीन राशि के लिए आने वाला नेक्स्ट मंथ जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 12 नंबर के अंदर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। कोई भी साल के अंदर 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी मीन राशि के अंदर है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों से ही राशि के अंदर है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। आइए जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी राशि के अंदर चलने वाले गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो कि नॉलेज की कारक है, ज्ञान के भंडार हैं, वो आपकी राशि के अंदर हैं, जिसके कारण आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ने से आपका ओवरऑल तमाम प्रकार जो प्रोग्रेस है वो पॉसिबल बनते हैं। तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण आपके संतान रिलेटेड भी कार्य बनेंगे, लव मैटर में भी सक्सेस देने वाला बनेंगे और दाम्पत्य जीवन में भी प्रसन्नता बढ़ाएंगे और भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। तो गुरु ग्रह का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और गुरु अभी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो ट्रांजिट खास करके मीन राशि के अंदर पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए जबरदस्त बेनिफिशियर है। उसके अलावा उत्तर भाद्रपद के लिए भी पावरफुल गज केसर योग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके अति मित्र बनकर हैं। तो जो नॉलेजेबल फ्रेंड्स हैं ऐसे फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं और उनसे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो नॉलेज इज द पावर, तो आपका जो नॉलेज है वो आपका पावर बढ़ाने वाला है। और गुरु का ट्रांजिट कॉन्स्टेंटली अप्रैल 2023 तक है, जो कि आप तमाम जो मीन राशि वाला जातक हैं इनके लिए कुछ ऊपर हाइट ले जाने के लिए आपको तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और कुछ न कुछ आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे। प्रेडिक्शन में बात करेंगे मेन ग्रह, एनर्जी ग्रह, जिसके कारण ही पृथ्वी के ऊपर आपका हमारा जितने भी सजीव हैं, छोटे बड़े जीव हैं, जिसका अस्तित्व है, ये सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो मिथुन राशि के अंदर है और 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंदर है और ये ट्रांजिट आपकी राशि से चौथे स्थान के अंदर है। सुख स्थान के अंदर जो सूर्य का फल है वो शुभ नहीं है, तो नहीं है, खास करके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के लिए। नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना बेचना कुछ भी करना एडवाइजेबल नहीं होगा 16 जुलाई तक। 16 जुलाई को दोपहर में 12:05 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, वो चलेंगे आपके राशि से पंचम स्थान के अंदर, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने वाले बनेंगे, क्योंकि सुख स्थान जो है वो केंद्र का स्थान है और यहाँ पर सूर्य का जो फल है वो शुभ नहीं है। तो बदलने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने वाले होंगे रिगार्डिंग बिजनेस एंड करियर, लेकिन जो कोई भी जातक शहर सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग इत्यादि के प्रकार के काम करते हैं, इनको अपने कामकाज के अंदर भारी लॉसेस, नुकसान आ सकता है। तो बुध ग्रह का ट्रांजिट जो है वो वृषभ राशि के अंदर है, 2 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करके चलेंगे चौथे स्थान के अंदर। 2 से 16 तक मिथुन में चलने वाले जो बुध है ये आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले हैं और सुख स्थान के अंदर बुध का फल बहुत शुभ माना जाता है, जो बिजनेस और करियर को इम्प्रूव करने वाले बनेंगे। भले सूर्य का इम्पैक्ट नेगेटिव है लेकिन बुध साथ में चलने के कारण थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी जरूर करवाएंगे। और 16 तारीख को बुध चलेंगे कर्क राशि के अंदर, 31 जुलाई तक बुध पंचम स्थान में चलेंगे सूर्य के साथ। तो ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं जो आपका मकान, वाहन, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य रुक गए थे ये करवाने वाले होंगे और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी प्रसन्नता बढ़ाने वाले होंगे। 31 तारीख को बुध आपके 6th हाउस में चलने वाले हैं सिंह राशि के अंदर, जो आपके शत्रु के ऊपर आपका बौद्धिक विजय करवाने वाले होंगे। इंटेलिजेंटली विनिंग योर एनिमीज फ्रॉम 31st
जुलाई एंड ऑनवर्ड्स। तो बुध ग्रह का मोशन बहुत फास्ट है। इस मंथ के अंदर बुध चार राशि परिवर्तन कर जाते हैं, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। तो आपकी जो फाइनेंस के रिगार्डिंग कार्य रुके हुए हैं, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य रुके हुए हैं, या पार्टनर से कुछ मनमुटाव है, तो सब आपका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ये सब सेक्टर के अंदर। शुक्र जो कि लव मैटर के कारक ग्रह हैं वो वृषभ राशि के अंदर हैं और पराक्रम स्थान में आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। ब्रदर सिस्टर्स और न्यू वेंचर्स में भी बेनिफिट करने वाले हैं। 12 जुलाई को शुक्र चौथे स्थान में चलेंगे, तो जो कोई भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, होटल मोटल रेस्टोरेंट इत्यादि का व्यवसाय है, इनको भी अपने कामकाज के अंदर कारोबार के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिलेगा 12 जुलाई के बाद। एक और ट्रांजिट महत्वपूर्ण हो रही है, शनि जो कुंभ राशि में चल रहे हैं, 12 जुलाई को शनि मकर राशि के अंदर चलेंगे, वंस अगेन आपके लाभ स्थान में चलेंगे। और जो पनौती स्टार्ट हुई है वो 17 जनवरी तक आपको रिलैक्सेशन करने वाले बनेंगे शनि। शनि आपके बिजनेस कारोबार को इम्प्रूव करने वाले बनेंगे। हालांकि जो 16 जुलाई को सूर्य बदलते हैं, तो सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, तो 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक का जो पीरियड है सूर्य और शनि आमने सामने होंगे। सूर्य पंचम स्थान में होंगे, शनि लाभ स्थान में होंगे, जिसके कारण आपको अपने मित्रों के साथ, आपके संतानों के साथ, आपके लव वन के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े, एग्रेसिव कम्युनिकेशन ना हो, उसका खास केयर करना होगा। राहु जो कि आपके धन भाव के अंदर हैं और यहाँ पर मंगल भी 26 जून से भ्रमण शुरू कर चुके हैं। मंगल का जो भ्रमण है राहु के साथ वो 10 अगस्त 2022 तक रहने वाला है। तो ऐसा कहते हैं कि पूरा मंथ जो है वो मंगल आपके राहु के साथ चलेंगे, जिसके इम्पैक्ट के अंदर आपको वाणी में सेम रखना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, और आँखों का विशेष केयर करना होगा। तो डेट्स जो आपको केयर करना है, अच्छा केतु अष्टम स्थान में है, केतु विशाखा नक्षत्र में है, जो ट्रांजिट भी शुभ नहीं है। यदि आप नदी संबंधित तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरें। जो डेट्स आपको केयर करना है वो सबसे पहले ये रहेगा 7, 8, 9, जिसमें चंद्र होंगे तुला के चंद्र होंगे केतु के साथ होंगे अष्टम स्थान में। चंद्र में आपको पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट केयर करना है 15, 16 और 17, जिसमें चंद्र होंगे कुंभ राशि के अंदर, राशि से 12वें स्थान के चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और वंस अगेन आपको डेट केयर करना है 25, 26 और 27, जिसमें चंद्र होंगे मिथुन राशि के अंदर, तो राशि से चौथे स्थान के चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं मीन राशि वाले, ये प्रेडिक्शन आप उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। श्री द्वारकाधीश हम सबके ऊपर कृपा करें, जल्दी करें। ऐसी शुभकामना, शुभ भावना के साथ जय द्वारकाधीश।